और जिले खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल में हैं, राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत की मीटिंग इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान आया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष दो पद पर काम नहीं कर सकता, एक पद पर रहना ज्यादा उचित है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, पद या बिना पद करूंगा काम। तो ये बेहद अहम बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कांग्रेस अध्यक्ष दो पद पर काम नहीं कर सकता, एक पद पर रहना ज्यादा उचित है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पद या बिना पद करूंगा काम। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल में हैं, राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत की इस वक्त मीटिंग चल रही है। लेकिन इससे पहले बेहद अहम बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष दो पद पर काम नहीं कर सकता है। दो पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है बनता है वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो दो पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। पर इसमें कोई बाहर नहीं है, जो कि अभी मीडियम आ रहा है उसके अंदर ही इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है इसके अंदर। वन मैन वन पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता, परंतु कांग्रेस पार्टी कोई बनता है तो दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट पे रहना ज़्यादा उचित है। हालांकि मैंने तो ये कहा कि मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। मैं लगातार 40 साल तक केंद्रीय मंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी का महामंत्री और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। कांग्रेस में लागू रहेगा एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था और आज केरल में राहुल ने फिर से दोहराया ये कमिटमेंट। उधर केरल में ही गहलोत ने भी आगे बढ़कर यही बात कही, कहा कांग्रेस अध्यक्ष दो पद पर काम नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये कि गहलोत भी नहीं होंगे सिद्धांत के अपवाद। और चलिए सीधा रुख करते हैं केरल का। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, बेहद अहम है, जहां माना यह जा रहा था कि अपवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकते हैं, जहां वो दो पद पर रह सकते हैं, लेकिन यही बात राहुल गांधी ने कही और इसी बात को क्लियर किया है अशोक गहलोत ने। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जब मैंने खुद ने सवाल पूछा कि क्या जो उदयपुर चिंतन शिविर में आपका एक फॉर्मूला था एक व्यक्ति एक पद, तो क्या अभी वो लागू होगा, राहुल गांधी का दो टूक उस पर जवाब था बिल्कुल लागू होगा और हम उसी सिद्धांत के सहारे चल रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, इस वक्त अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी की मुलाकात इसी जगह पर हो रही है जहाँ ये फॉर्मूला, ये सारे चीज़, ये समीकरण डिस्कस किए जा रहे हैं कि अगर अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हैं तो उसके बाद राजस्थान में की भूमिका क्या होगी, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सामने आएगा और किसके ऊपर सहरा बंधेगा। तो ये तमाम चीजें डिस्कशन का विषय है जो यहाँ चल रहा है। इससे पहले सोनिया गांधी से उन्होंने डिस्कस किया था और उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को एक बार और ये मनाने की कोशिश करूंगा कि वो अध्यक्ष पद के लिए खुद को स्वीकार करे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपनी मंशा फिर स्पष्ट कर दी और उन्होंने कहा कि मैंने जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं उस पर कायम हूं। यानी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारे ही सवाल पर यह बात कही थी कि आई हैव अप माई माइंड, इसका मतलब साफ है कि वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं खुद को शामिल करते हैं। अब अशोक गहलोत इस पद के लिए सबसे मुफीद उम्मीदवार हैं और लिहाजा इसके अलावा भी कई उम्मीदवार होंगे, लेकिन अशोक गहलोत के साथ पूरा मैंडेट होगा और उस मैंडेट के बाद अगली जो रणनीति होगी, अगली जो चीजें होगी वो साफ तौर पर यह देखने वाली होगी कि राजस्थान का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कैसा होगा, क्या अशोक गहलोत के बात चलेगी। निश्चित तौर पर अभी अशोक गहलोत एक पद के साथ, अशोक गहलोत अभी फिलहाल अध्यक्ष की उम्मीदवारी भरने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, ये स्पष्ट है। अभी उनके पद में कोई फेरबदल नहीं हो रहा। हाँ, अशोक गहलोत ने खुद ने भी ये बात कही है कि एक व्यक्ति अगर कांग्रेस का अध्यक्ष है तो उसके लिए शोभित नहीं होता कि वो दूसरे पद पे काम करे और यही बात राहुल गांधी की तरफ से भी आई है। तो कुल मिलाकर ये तो तय हो गया कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगली बात जो उससे बड़ी है कि राजस्थान का सिरमौर किसके सिर जाएगा, उस विषय पर अभी ये चर्चा चल रही है। श्रोता, बिल्कुल अमित जी, यानी ये माना जाए कि 19 अक्टूबर के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ही किसी भी समय वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद राजस्थान के सीएम की खोज शुरू हो जाएगी, जल्द नाम फाइनल किया जाएगा। बिल्कुल
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, उससे पहले भी अशोक गहलोत की ही मंशा, जो अशोक गहलोत की चाहत होगी वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि अशोक गहलोत गांधी परिवार के न सिर्फ वफादार करीबी बल्कि एक कुशल प्रशासक हैं, और उन्होंने राजनीति में ये सिद्ध किया है कि वो एक अच्छे तरीके से संगठन और प्रशासन दोनों चला सकते हैं। तो उस लिहाज से जब कांग्रेस अगली आगामी चुनाव में जाएगी तो कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है, किसके साथ विधायकों की पूरी संख्या है, क्योंकि इस बात का जिक्र सोनिया गांधी के साथ बैठक में खुद अशोक गहलोत ने किया है कि विधायक जिसके साथ हैं उसकी मंशा जरूर विधायकों की जानी जानी चाहिए कि विधायक किसके साथ हैं। जाहिर सी बात है विधायक उसी के साथ होंगे जिसके साथ अशोक गहलोत की रजामंदी होगी, और उस रजामंदी पर सोनिया गांधी और गांधी परिवार को मुहर लगानी पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर गांधी परिवार अशोक गहलोत को मना लेता है किसी तरह से सचिन पायलट या दूसरे नामों पर, तो फिर उस पर रजामंदी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये साफ है कि अशोक गहलोत अभी दोनों पदों पर हैं, और जब चुनाव अध्यक्ष की वो जीत जाएंगे तब निश्चित तौर पर अशोक गहलोत अपना स्टैंड बदल सकते हैं पार्टी के लिए। बिल्कुल अमित जी, और अभी की अपडेट जरूर चाहेंगे, क्या अभी भी मुलाकात राहुल गांधी से अशोक गहलोत की चल रही है, कब तक अशोक गहलोत यहां पर रुकने वाले हैं? अशोक गहलोत की मुलाकात अभी इस वक्त राहुल गांधी से चल रही है, यहाँ इस के ऊपर जो फ्लोर है उसमें दोनों नेता बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, और ठीक अब से थोड़ी देर के बाद यानी 5 बजे भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू होगी। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे से वो यात्रा है, उसका पॉइंट है, अशोक गहलोत भी उसमें शामिल होंगे। जो केवल कैड चलेगा उसमें राहुल गांधी के केवल कैड के साथ ठीक अशोक गहलोत की गाड़ी भी चलेगी, और अशोक गहलोत जहाँ यात्रा में पैदल चल सकेंगे उसके बाद वो उस गाड़ी में भी बैठ सकते हैं, इस तरह की योजना है। यहाँ से थोड़ी देर बाद यानी 5 बजे के इर्द गिर्द ये दोनों की बैठक खत्म होगी और उस गंतव्य तक पहुंचेंगे जहां से यात्रा शुरू होगी। अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ यहां से यात्रा में चलेंगे और शाम में त्रिचुर में उनका रात्रि होगा, और उसके बाद कल वो फिर यहां से रवाना हो रहे हैं, जो वो साईं मंदिर के दर्शन करते हुए फिर वो लौटेंगे। जी जी अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये इतना तय यहाँ पर है कि एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत जो है वो लागू रहेगा, अपवाद यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं रहेंगे, ये स्पष्ट यहाँ पर राहुल गांधी ने भी किया, और यही बात अपने अहम बयान के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कही है। अब इसी को लेकर ही बातचीत हो रही है, हालांकि अब नजरें सबकी टिकी होंगी राजस्थान पर कि आखिर राजस्थान का सीएम अगला कौन होगा।